वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जंग लाहौर के अखबार को पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको बताती चलूँ, आज 7 अक्टूबर 2020 और 19 सफ़र है। अब हम चलते हैं न्यूज़पेपर की तरफ। वज़ीर आला बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास। प्रोफेशनल्स के लिए लाइसेंसिंग फीस ख़त्म। 3 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी। सरकारी एराजी की नलामी। कमर्शल्स के सपुर्द। शुगर फैक्ट्रीज कंट्रोल एक्ट 1950 में तरमीम। गन्ने की कीमत मुकर्रर करने के लिए वजारती कमेटी कायम। स्मोक को आफियत करार देने हैं। गुड़ा फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन समेत कई इकदाम की मंजूरी। महंगाई माफिया को माफ़ नहीं करेंगे। अदारों के खिलाफ बातें करने वाले दुश्मन के एजेंडे पर हैं। हुकूमत और आवाम ऐसे बयानियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस्मान बुज़दार का इजलास से खताब। MPA अशरफ अली अंसारी से गुफ्तगु। सूबाई हुकाम नाकाम। वज़रा के महंगाई पर शिकायतें। वज़ीर आज़म का क्रैक डाउन और चीनी मिल्स में स्टॉक चेकिंग का हुक्म। अपोजिशन चोर है बागी नहीं। मुकदमे का इंदराज गलत। इमरान खान के पास ऐसे मुकदमात के लिए वक्त नहीं। मुमकिन है FIR नवाज शरीफ के कारकुन ने दर्ज कराई हो। शिबली फराज पंजाब और सिंध गन्ने की सरकारी कीमत का जल्द ऐलान करें। दरामदी गंदम के मुल्क में पहुंचने का तफसीली शेड्यूल पेश किया जाए। वज़ीर आज़म की चीफ सेक्रेटरी को हदायत। दुश्मन की ज़ुबान बोलने वाला मुहिब वतन नहीं हो सकता। साबिक वज़ीर आज़म भी जुर्म करेगा तो सज़ा मिलेगी। वफाकी काबीना के इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तला'आत की ब्रीफिंग। जज़ीरे का तनाज़ा। सिंध ने वफाक को लिखा खत वापस ले लिया। ऑर्डिनेंस ख़त्म करने का मुतालबा। सूबाई काबीना ने वफाक के साथ जज़ीरे के मामले पर किसी किस्म का तावन ना करने का ऐलान कर दिया। आयरलैंड से मुतल्लिक कोई गैर कानूनी इकदाम नहीं उठाया। वफाकी वज़ीर बैरिए अमूर। गद्दारी की FIR सिर्फ हुकूमती इमा पर दर्ज हो सकती है। शफकत महमूद पुलिस में FIR दर्ज करवाने को आयन पाकिस्तान का इदराक होना चाहिए। अरफान कादिर बदर रशीद का लीगी होने का दावा झूठा निकला। वो PTI का रुकन है। पाकिस्तान और भारत में बगावत का मुकदमा बनाने का सिलसिला ताहाल जारी। जियो पर शाहजेब का तजिया। मुलाकातों तस्वीर मामूल की बात। बदर का PTI से तल्लुक नहीं। तर्जमान गुन एजाज चौधरी। हम PTI के सपोर्टर्स वोटर्स हैं। मद का भाई वो PTI का टिकट होल्डर है। उज़्मा बुखारी कोई किसी को काफिर नहीं कहेगा। फैसला अदालत का काम। उलमा का 20 नकाती जाब्ता अखलाक पर इत्तफाक। इस्लाम के नाफस के नाम पर जबर का इस्तेमाल। रियासत के खिलाफ मुसल्ला कार्रवाई। तशद्दुद और इंतशार की तमाम सूरतें बगावत समझी जाएंगी। मुकद्दस हस्तियों की तोहीन नहीं होगी। फिरका वारियत को फ़रोग देने वालों के खिलाफ सख्त इकदामात किए जाएंगे। ज़ाब्ता अखलाक पर दस्तखत। नवाज शरीफ हुकूमत पर तनकीद करते तो कोई मसला नहीं था। फवाद चौधरी नवाज शरीफ के रेफरेंस में जाहिर एहसास से फ़र्क किए जाएं। एहतसाब अदालत। नवाज शरीफ के खिलाफ गद्दारी की FIR नहीं होनी चाहिए। गन्नर सरवर बाहमी बर्दाश्त कम हो रही है। मुकदमे के मुहक्कात इस सामने आने चाहिए। सेमिनार से खिताब। IPC में नवाज शरीफ की तकरीर पर कौम तकसीम।
35% ने अमूमी मौक़ पर नवाज शरीफ की हमायत, 29% ने मौक़ को यकसर मुस्तरद कर दिया। 78% का नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर मुकदमात का सामना करने का मशवरा। इख्तियारात वापस लेने पर मेयर इस्लामाबाद शेख नसीर अजीज़ एहतजाजन मुस्ताफी। जहांगीर तरीन और अली तरीन के खिलाफ FIA की तहकीकात जारी, तीसरा नोटिस भेजा जाएगा। खुसरो मुख्तार को भी तलब किए जाने का इम्कान। वफाकी हुकूमत ने हमें दीवार से लगा दिया, इस तरह मौजूद शहरियों की मजीद खिदमत नहीं कर सकते। पैगाम। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। कच्चे के अवाम का मियार ज़िंदगी बुलंद करना चाहते हैं राजा बशारत। हज़रत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह इस्लाम के बहुत बड़े मुबल्लिग थे। नौजवानों को बाख्तियार बनाना ही वज़ीर आज़म का वीजन है। एजाज आलम, कोरोना हफाजती तदबीर पर अमल करें। मुनस इलाही, पंजाब रेसिंग प्रोग्राम डॉक्टर्स के खिलाफ जुल्म है। यंग डॉक्टर, पिंस में अहलिये से कम अफराद का तकरर, कार्रवाई पर फैसला महफूज। नैब में डे केयर सेंटर का क़याम, यंग वकला का एहतजाजी मुजाहरा। जमात इस्लामी का इजलास आज होगा, जायदादों की जियोफेंसिंग के लिए हदायत। जाली गैस नैब नेटवर्क पकड़ा गया, एपका आज एहतजाज और धरने देगा। जुलूसे ताज़ियत। अफगान तालिबान का चेक पोस्ट पर हमला, 8 एहलकार हलाक, 3 हमलावर भी मारे गए। कायमा कमेटी अल अजीज़िया में बेकदगियां, चेयरमैन सरकारी टीवी तलब। कोरोना में शिद्दत आई तो मुकम्मल लॉकडाउन का सोचना पड़ेगा। यास्मीन राशिद। शाम तुर्की के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में धमाका, 18 हलाक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले नेवी के साबिक अफसर की अपील पर फैसले की नकल तलब कर ली। जस्टिस सज्जाद की अदालत पर यलगार छांगा मांगा में सजाया गया जुम्मा बाजार कौम को याद है। फैसल जवीर। हुकूमती शिकायत के अंदराज तक नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ संगीन इल्ज़ाम नाकाबिले ट्रायल। यूरोपीय यूनियन के साथ तल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। असद कैसर। गुलबर्ग, रिवाड़ियों का छापामार पुलिस पर हमला, सब इंस्पेक्टर जख्मी। स्टॉक मार्केट में रिकवरी, पिंक और फोर्स सेल खत्म होना 22 पन्ना। ITF का इजरा प्रोडक्ट्स में अहम करदार अदा करेगा। फरुख खान, महकमा एक्साइज 18 OPS इंस्पेक्टर दोबारा क्लर्क बना दिए गए।
सूबाई अराजी पर कायम रेस्ट हाउसेस के किराए की रिपोर्ट तलब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। शुक्रिया।